द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर WWE का एक ऐसा सुपरस्टार जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सुपरस्टार के पसीने छूट जाते हैं, और अगर फाइट के दौरान ब्रोक लेसनर को गुस्सा आ जाए तो ब्रोक लेसनर तहलका मचा देता है। फिर चाहे ब्रोक लेसनर के सामने कितना भी तगड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, ब्रोक लेसनर उसके भसूड़ी भर देता है। दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है जब ब्रोक लेसनर को फाइट के दौरान गुस्सा आया तब ब्रोक लेसनर ने रिंग में तहलका मचाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में कि किन सुपरस्टार के ऊपर ब्रोक लेसनर ने अपना भयंकर गुस्सा निकाला है और आज भी उन फाइट्स को याद करके उन सुपरस्टार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रोक लेसनर के फैन हो तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, नंबर 5 पर है 2018 की रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केन के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। दोस्तों, इस मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रोक लेसनर के सर पर अपने घुटने से वार किया था, जो कि काफ़ी तेज लगा था ब्रोक लेसनर को, और ब्रोक लेसनर काफ़ी गुस्से में आ गए थे, जिसके कारण ब्रोक लेसनर ने खींच के एक रियल पंच मारा था ब्रॉन स्ट्रोमैन के सर पर, जिसके कारण ब्रॉन स्ट्रोमैन पूरी तरह से हिल गए थे। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जब ब्रोक लेसनर के एक रियल पंच से ब्रॉन स्ट्रोमैन पूरी तरह से हिल गया था तो ब्रोक लेसनर के 3-4 घूसों से ब्रॉन स्ट्रोमैन का क्या हाल होता। दोस्तों, नंबर 4 पर है रेसलमेनिया 34 में हुआ ब्रोक लेसनर वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस का मैच। दोस्तों, ये मैच काफी तगड़ा मैच था, क्योंकि इस मैच में ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन 5 बार F5 खाने के बाद जब रोमन रेंस ने हार नहीं मानी तो ब्रोक लेसनर काफी गुस्से में आ गए थे, और ब्रोक लेसनर ने अपनी कोहनी से रोमन रेंस के सर पर 3 बार हमला किया, जिसके कारण रोमन रेंस के सर से काफ़ी खून बहने लगा, और लास्ट में 6th F5 मारकर ब्रोक लेसनर ने इस मैच को जीत लिया। दोस्तों, ब्रोक लेसनर ने इस मैच को एटीट्यूड एरा के टाइम में तब्दील कर दिया था, क्योंकि इस मैच का एंड काफ़ी ब्लडी था, जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैच के बाद रोमन रेंस के सर पर टाके भी लगे थे। दोस्तों, नंबर 3 पर है ब्रोक लेसनर द्वारा विंस मैकमैन के ऊपर यूनिवर्सल टाइटल को फेंकना। दोस्तों, रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस को हराने के बाद भी ब्रोक लेसनर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में जीत रोमन रेंस की होनी थी, लेकिन एंड मौके पर विंस मैकमैन ने अपने डिसीजन को बदल लिया था, जो कि ब्रोक लेसनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ब्रोक लेसनर ने गुस्से में आकर अपनी यूनिवर्सल टाइटल को विंस मैकमैन के ऊपर फेंक दी थी। दोस्तों, यही हरकत अगर कोई और सुपरस्टार करता तो विंस मैकमैन उस पर काफ़ी भारी जुर्माना लगा देते, लेकिन विंस मैकमैन के सामने द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर था, तो ब्रोक लेसनर के आगे विंस मैकमैन की बिल्कुल भी नहीं चली। दोस्तों, नंबर 2 पर है रेसलमेनिया 31 में हुआ ब्रोक लेसनर वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस का मैच। दोस्तों, इस मैच के बीच में सेथ रोलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए आ जाते हैं, और रोमन रेंस को पिन करके सेथ रोलिंस इस मैच को जीत लेते हैं, जिसके कारण ब्रोक लेसनर काफी गुस्से में आ जाते हैं, और अगले दिन मंडे नाइट रो में आकर ब्रोक लेसनर एक मैच की डिमांड करते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस के मना करने के बाद ब्रोक लेसनर का गुस्सा और बढ़ जाता है। सेथ रोलिंस तो ब्रोक लेसनर से बच जाते हैं, लेकिन उसके चंगू मंगू ब्रोक लेसनर की चपेट में आ जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, बुकर टी, JBL और माइकल कोल को भी ब्रोक लेसनर अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसके बाद स्टेपनी मैकमैन के मना करने के बाद भी ब्रोक लेसनर का गुस्सा शांत नहीं होता, और वहां खड़े कैमरामैन पर भी ब्रोक लेसनर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है SummerSlam 2016 में हुआ ब्रोक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच। दोस्तों, इस मैच का एंडिंग काफी खतरनाक था, जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि दोस्तों इस मैच के एंड में ब्रोक लेसनर अपनी कोहनी और घूसों से रैंडी ऑर्टन के सर पर बुरी तरह से अटैक करते हैं, जिसके कारण रैंडी ऑर्टन के सर से काफ़ी खून निकलने लगता है, जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस मैच के बाद रैंडी ऑर्टन के सर पर 10 टाके लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मूवमेंट जिसमें ब्रोक लेसनर को काफ़ी गुस्सा आ गया था।